प्रेशर कुकर में बनाए गए कच्चे आम का टेस्टी चटपटा और मसालेदार आम पापड़ बहुत आसान तरीके से। इसे एक बार बनाने के बाद आप कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बिना धूप बिना किसी झंझट टेस्टी कच्चे आम का पापड़ बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लगभग 1 किलो कच्चे आम लिया है। आम को हमने पानी से धो लिया है। अब हम इन्हें छील लेंगे और इन्हें हम रफली चॉप कर लेंगे। आम पापड़ बनाने के लिए अगर आप कैरी थोड़ी सी बड़े साइज के लेंगे ना तो उसमें पल्प ज्यादा निकलता है। देखिए सारे आम को छील लिया है, अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। आम के बीज को छोड़कर हमें इसे सारा कट कर लेना है। और मैंने यहाँ पर इसके बारीक पीस किए हैं, आप चाहे तो बड़े पीसेस में भी कट कर ले। तो यहाँ पर ये देखिए आम को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। प्रेशर कुकर में हम ये सारा आम डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर प्रेशर कुकर में 2 सीटी आने देते हैं। इसमें हमने पानी बिल्कुल यूज नहीं किया है, तो फ्लेम को हाई पर ना रखे, लो या मीडियम फ्लेम पर ही प्रेशर कुकर में 2 सीटी ले आए। और क्योंकि हमने आम को छोटे पीसेस में कट किया था तो 2 सीटी में ही ये आम अच्छे से कुक हो गया है। ये देखिए कि आम अच्छे से पक गया है। इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब इस आम पापड़ को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 1 कप पुदीना लिया है। पुदीना की जो डंडियां हैं उन्हें हमें निकाल देना है, वरना आम पापड़ में कड़वापन आ सकता है। अब मिक्स जार में ये सारे पुदीना के पत्ते डाल देंगे और इसी के साथ ये पका हुआ आम डाल देंगे। स्वादानुसार इसमें नमक लें और 1 चम्मच के करीब काला नमक लिया है, 1/2 छोटा चम्मच लिया है काली मिर्च पाउडर और इसी के साथ 2 चम्मच लेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। इन मसालों के साथ इस कैरी के पापड़ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इन सब का हमें एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। देखिए इसका पेस्ट बन चुका है। अब इसमें ये बाकी का बचा हुआ आम भी डाल देंगे। अब गैस पर एक नॉनस्टिक पैन रखा है, इसमें ये सारा पेस्ट ट्रांसफर कर देंगे। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए इस पेस्ट को हमें चलाना है, जिससे ये आम का पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसे हमें 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है। तो इस तरीके से लगातार चलाते रहें। तरीके से पकाने से आम पापड़ की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, वो जल्दी से खराब नहीं होगा। तो 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें ये 1 कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह मिश्री का पाउडर भी ले सकते हैं, और अगर आम ज़्यादा खट्टे हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी जो पेस्ट है काफ़ी पतला हो चुका है, तो इसे थोड़ा सा और पका लें। तो 3 से 4 मिनट हमने इसे और पकाया है। कलर के लिए मैं इसमें 1 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बस इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए ये पेस्ट काफ़ी थिक हो गया है। तो पूरे 8 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस पेस्ट को हमने कुक कर लिया है। अब ये काफ़ी थिक हो चुका है। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो प्लेट पर 1 ड्रॉप डालें, प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा करके देखें। अगर उसमें से पानी ना निकले यानी ये मिक्सचर पापड़ को सेट करने के लिए एकदम तैयार है। और इस पेस्ट को हम तुरंत ही ग्रीस की हुई प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर मैंने ये ट्रे ली है, इसे पहले घी या ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर ले। अब हम इसमें ये सारा पेस्ट डाल देंगे। आप इस मिक्सचर को फैलाएं तो ध्यान रखें इसे थोड़ा मोटा रखें, क्योंकि सूखने के बाद तो एकदम ड्राई और पतला बन जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ही पेस्ट डालेंगे पर तो वो आम पापड़ प्लेट के ही चिपक जाएगा, वो उतरेगा नहीं। आधे से ज़्यादा मिक्सचर हमने इस ट्रे में फैला दिया है। और यहाँ पर हमने ये 7 इंच की प्लेट ली है, इस पर घी लगा दिया है, इसमें बाकी का पेस्ट डाल देंगे। अब आप इस आम पापड़ को 2 दिन की पंखे की हवा में सुखाएं या फिर 1 दिन की तेज धूप में भी इस आम पापड़ को सुखा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप इसे ड्राई करें। अगर आपके यहाँ 1 घंटे की धूप आती है तो आप उसे फैन के नीचे ड्राई करके 1 घंटे की धूप दिखा दें, जिससे यहाँ पापड़ खराब नहीं होगा। मैंने इसे फैन के नीचे सुखाया है और 1 घंटे की धूप दिखाई है। अब ये आम पापड़ एकदम तैयार है। और चारों तरफ किनारों से एक बार नाइफ चला लें, जिससे आसानी से उतर पाए। कच्चे आम और पुदीना से बना ये आम पापड़ खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। देखिए आम पापड़ को अब हम रिमूव करेंगे, यहाँ पर हम इसके रोल बनाएंगे। तो ये देखिए बहुत आसानी से ये आम पापड़ रिमूव हो रहा है, क्योंकि इसकी हमने मोटी लेयर फैलाई थी। तरीके से आप ये आम पापड़ जरूर से बनाकर देखिएगा। कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये खट्टा मीठा कच्चे आम का पापड़ की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस आम पापड़ को आप एयरटाइट कंटेनर में रखकर 3 से 4 महीने स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।